तवे की सब्जी को देखकर याद आ रही है ना शादियों वाली सब्जी? जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग होती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं सब्जी को बनाया कैसे है। शादियों का यूं तो बहुत सारा सीजन है, इस वक्त कोई ना कोई शादी तो अटेंड कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये तवा भाजी घर में बनाना चाहते हैं तो कुछ खास ट्रिक्स दिए हैं हलवाई की, उसे आप इस तरीके से जरूर बनाइए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। चलिए देखते हैं सब्जी को बनाया कैसे है। मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी गोभी, गाजर, टिंडा, अरबी, भिंडी, आलू और करेला लिया है, और बैगन भी लिया है, और मैंने लंबी कटी हुई मिर्ची भी ली है, और थोड़े छोटे छोटे प्याज भी ले लिए। कुछ सब्जियों को हमें उसी समय काटना होता है जब हमें बनाना होता है, जैसे बैगन वगैरह, और कुछ सब्जियों को हम पहले काट के रख सकते हैं। आपको सब्जियों में देखना ये होगा कि कौन सी सब्जी हमें 50% कुक करनी है, कौन सी सब्जी हमें 80% कुक करनी है। जैसे आलू होता है, टिंडा होता है, ये अगर कच्चा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। करेले को अच्छे से रोस्ट करना होगा, लेकिन भिंडी है, गोभी है, बैगन है, इन्हें आपने कम भी फ्राई किया तो चल जाएगा। अब रखते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिए बैगन, बैगन के चार चार पीस कर दिए हैं, और मैंने उसे फ्राई करके निकाल दिया है। भिंडी को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इसी कढ़ाई में हम गोभी को और गाजर को फ्राई करने। अब इन सब्जियों को निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे अरबी। अरबी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अरबी अगर बॉयल है एक दो सीटी से तब तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, तेज फ्राई पे लाल करनी है। अगर ये कच्ची है तब आप इसकी फ्लेम थोड़ी धीमी कर दीजिए और इसे अंदर तक थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। टिंडों को भी हमें 80% कुक करना होगा। अरबी आलू पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट होना जरूरी है, भले ही लाल ज़्यादा ना हो, क्योंकि लाल तो वो तवे पर भी हो जाएगा। मिर्ची और प्याज को बहुत ही हल्का पकाइए। सारी चीज़ें पकने के बाद चलते हैं एक मसाला तैयार करते हैं। तो ये जो मसाला हम बना रहे हैं ना, ये आप किसी और सब्जी में भी डालोगे तो बहुत पसंद आएगा। खास मैंने एक सब्जी मसाला बनाया है। नॉर्मल एक छोटा सा चम्मच ले लिया है, जिसमें मैंने 3 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हींग लिया है, 3 चम्मच लिया है मैंने सौंफ कुटी हुई, 1 चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा पाउडर, 2 चम्मच लिया है चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और काला नमक लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच लिया है सादा नमक। ये सारे मसालों को एक साथ अपन ग्राइंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सब्जी मसाला। ये आप किसी भी ड्राई सब्जी में डालेंगे ना, आपकी सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। सारे किचन किंग मसाले एक तरफ, पहले ये मसाला एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब इस मसाले को हमें कुछ कुछ डालना होगा ऊपर से, जैसे गाजर के ऊपर डाल सकते हैं, गोभी के ऊपर, भिंडी के ऊपर, जैसे हमारी कोई भी सब्जी ना फीकी फीकी ना लगे। ग्रेवी तो इसकी बनेगी सही, लेकिन फिर भी मसाला डालने से ये चटपटी सब्जियां हो जाएंगी। और जैसे करेला है, उसमें हमें भरना ही पड़ेगा, तभी करेले की कड़वाहट थोड़ी कम रहेगी। भरेंगे नहीं ना तो वो करेला खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही टिंडा होता है, टिंडे को भी हमें भरना होगा। आलू के ऊपर इस तरीके से मसाले को लपेट लीजिए, अरबी को भी लपेट सकते हैं, और मिर्ची है ना, मिर्ची में भी थोड़ा सा मसाला भर दीजिए, जिससे वो अच्छा लगे, चटपटा लगे। अब रखती हूँ यहाँ पर एक तवा। एक और बात, आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, तो बड़े तवे पे शादियों जैसे बना रही हूँ। जरूरी नहीं आप इतनी क्वांटिटी में बनाएं, आप कम क्वांटिटी में अपने नॉर्मल से तवे पर भी ये सब बना सकते हैं। तवा नहीं है तो खुली कढ़ाई में भी ये सब बना सकते हैं, स्वाद वही आएगा, आप बनाकर तो देखिए। चलिए अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, और इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने 2 बड़ी प्याजों को बारीक फाइन कट कर लिया है, वो मैं इसमें पका रही हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हलवाइयों वाला काम हो रहा है। अब इसमें डाल दीजिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च।
यहाँ मैंने सब्जी मसाला तो डाल ही दिया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्जी मसाला भी डाला था। पटेटो मैशर से थोड़ा कूट रही हूँ जिससे थोड़ा मसाला जो है ना प्याज के साथ अच्छे से पक जाए। इसमें 3 से 4 टमाटर को ग्राइंड करके डाल रही हूँ। जैसे पाव भाजी बनती है ना, बस उसी तरीके से मैं पाव भाजी मैशर से इन सारी सब्जियों को पका रही हूँ। सारे मिक्स होने के बाद जब ऑयल छोड़ने लगे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और हाँ, यहाँ जो मैं सीक्रेट डाल रही हूँ वो है आलू भुजिया। कोई भी सेव भुजिया, आलू भुजिया जरूर डालें, ये हलवाइयों का सीक्रेट है, इसे डालना बिल्कुल ना मिस करें। ये मैंने डाल दिया 1/4 कटोरी भुजिया, इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे आप पीस कर भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद जो आएगा ना बहुत ही अमेजिंग आ जाएगा। दही को अगर फेंट कर इसमें डालेंगे ना तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी, कुछ दाने मैं डाल रही हूँ चीनी के। मसाले से डूबी हुई जो सब्जियाँ हैं ना, लपेटी हुई सब्जियाँ, उन्हें इस तरीके से सजाइए जैसे शादियों में सजाई जाती हैं। इस ग्रेवी में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी कैसे डालना है, बीच में होल करके, जिससे जो सब्जियाँ हैं ना वो गीली ना हो, बस ये तवे पर आँच भी आती रहे और ये जो ग्रेवी है ये सूखे नहीं। अब डाल दीजिए बीच में थोड़ा सा मक्खन, साइडों से डाल दीजिए हरा धनिया। बस थोड़ी थोड़ी सब्जी को बीच में डाल दीजिए, उसे पकने दीजिए, उसमें मिक्स करते जाइए। भिंडी को लपेटना है तो इस तरीके से ग्रेवी में लपेटते जाइए। मैंने थोड़ी थोड़ी लेके सारी सब्जियों को बीच में रखा है और ग्रेवी में लपेटते हुए ये देखिए मैंने सब्जियों को निकाल दिया है ना। बढ़िया सी ये सब्जी कैसी लग रही है, कब बना रहे हो, कैसी लगी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आपका लाइक जो होता है ना मुझे बहुत खुशी देता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।